कथम ब्रह्मण दीन मुखा, नारद जी तुम कहां कहां गए सत्संग के लिए। तब नारद जी ने भागवत के महात्म में वृतांत दिया। भागवत के महात्म में ही चर्चा करते हुए कहते हैं, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेशु भ्रममाण इतस्ततः। सर्वत्र गए पर कहीं पर भी भगवान की कथा या सत्संग नहीं दिखाई पड़ा। तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, अरे नारद जी गृहस्थियों के पास जाते, महात्माओं के पास सत्संग नहीं मिला, गृहस्थों के पास ये बैठे हैं, इंदौर चले जाते। ऐसा कहा नहीं है भागवत में, इतना कहा गृहस्थों के पास जाते। तो नारद जी बोले, संतों का तो कुछ हाल ठीक ही है, गृहस्थों का तो और खराब। अच्छा गृहस्थों का क्या खराब है? तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदाय का कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। बोले गृहस्थों का तो और दिमाग खराब है। बोले क्या? बोले माता पिता की सेवा तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई, और जहां श्रीमती जी आई सोई माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। बोलो जय सियाराम। ये गृहस्थों का हाल है। बोले गृहस्थों का हाल क्या? बोले गृहस्थों का हाल तो और खतरनाक, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को मतलब साला, पत्नी का भाई साले साहब। जब तक शादी नहीं होती तब तक कोई काम बच्चा करता है तो माता पिता और गुरुजी से पूछता है, शादी होते ही स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को ठोका जाता है। तो श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा। बोले क्या? बोले कलयुग के गृहस्थी अपनी बेटी का विक्रय करेंगे, विक्रय करते हैं, बेटी को बेचते हैं। और हद ये है, आजकल संबंध नहीं होता है, समझौता होता है, जो जितना ऊंची बोली लगा सके उतने में ही लड़का बिकाऊ है। पहले संबंध होते थे, सम देख करके समधी बनते थे, समधी समान अवस्था वाले जोड़ते थे, समधी। आजकल तो डीलिंग होती है, तुम 5 लाख दे रहे, कोई कल 10 लाख दे दे, तुम्हारी कैंसल, ये वाली शादी थे। भले ही वो पे पूरी जिंदगी भर बहू आकर के बेलन चिमटा चलावे, हाँ, लेकिन दहेज में तो 10 लाख ही चाहिए, फॉर्चूनर कार ही चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो नारद जी बोले, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। भैया गृहस्थों का हाल भी बेहाल है, तब तुम कहां गए? नारद जी बोले, जब कहीं सत्संग नहीं मिला। ओ वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, ओ वृंदावन श्री वृंदावन। नारद जी बोले, वृंदावनम नवकाननम, आहा जहां श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी का वास है। नारद जी कहते, हम उसी धाम वृंदावन को गए। लेकिन नारद जी बोले, भैया तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीसुरा एकातु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। हमने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? बोले हमने वृंदावन में देखा एक युवती स्त्री रोती हुई बैठी है। बहुत सी स्त्रियां कोई पानी पिला रही, कोई पंखा जला रही, लेकिन दो वृद्ध उसकी जंघों पर लेटे हुए हैं। नारद जी बोले, भैया हमने जैसे ही देखा सोचा जाया जाए, पूछा जाए कौन है, क्यों रो रही है। नारद जी बोले, भैया हम थोड़ी दूर तक तो गए पर वापस आ गए। क्यों? हमें लगा स्त्रियों का समूह ही है, पुरुष कोई है नहीं, कहीं हम गए हमने जाकर कहा कहो देवी जी, और कहीं पलट के जवाब ना दे दे, ए बाबा स्त्रियों के समूह में तुम्हारा क्या काम, हम रोए चाहे गाएं।
नारद जी बोले, भैया जैसे ही हम आधे रास्ते से वापस लौटने लगे, सोई वो स्त्री चिल्लाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिन्तानमपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। ए महाराज रुको रुको, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, रुको रुको, थोड़ा रुको, थोड़ी देर क्षण भर रुको। अरे महाराज, महात्माओं के तो दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है, पर आप तो महात्मा हो, मुनि हो, रुको। नारद जी बोले, भैया हम रुक गए, वापस गए, स्त्री के पास जाकर खड़े हो गए। क्वा तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम देवी, क्वा तुम बद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे देवी कौन हो तुम और क्यों रो रही हो, अपना विस्तार पूर्वक दुख हमको सुनाइए। नारद जी ने जहां इतना कहा, तब उस स्त्री ने अपना परिचय क्या दिया। भैया उसने हाथ जोड़कर कहा, अहम भक्ति ऋतौ ख्याता, अहम भक्ति ऋतौ ख्याता, हिमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जल। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो वृद्ध लेटे दिखाई पड़ रहे, मैं मां हूं, ये दोनों बेटे हैं। नारद जी बोले, हमें हंसी आ गई, क्यों, मां जवान है, बेटे बूढ़े हैं, क्या कारण है देवी, तुम तो जवान हो, बच्चे तुम्हारे बूढ़े हैं। भक्ति देवी ने कहा, महाराज क्या बताएं, हमारा मैं पैदा तो दक्षिण भारत में हुई, बड़ी में कर्नाटक आदि प्रदेशों में हुई, कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर कलयुग में पाखंड बनने के कारण इन पाखंडियों ने मुझ तीनों को ही वृद्ध कर दिया। लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूं, तब से मैं तो ज्यों की त्यों हो गई हूं, पर मेरे दोनों बेटे अभी भी मूर्छित और वृद्ध पड़े हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। बात भी सही है, भक्ति केवल वृंदावन में नाच रही, और ज्ञान और वैराग्य तो सबका सोया पड़ा है, सबकी हृदय के सोए पड़े हैं, सबका ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है। पर नारद जी से उस स्त्री ने कहा, भक्ति देवी ने, महाराज कैसे भी करके हमारे दोनों बेटों की मूर्छा खोलो। नारद जी बोले, चिंता मत करो, हमारे पास उपाय है, संतों के पास तो समाधान ही होता है। क्या होता है, बोलो बोलो, संतों के पास समाधान होता है, क्यों, क्योंकि संतों के पास भगवान होता है। नारद जी ने गीता पाठ गीता का पाठ किया, श्लोक किया, गीता का पाठ करें तो थोड़ी देर के लिए मूर्छा खुल जाए, फिर सो जाए। नारद जी बोले, भैया हम परेशान हो गए कि ज्ञान और वैराग्य जागेंगे कैसे, कौन सी बूटी पिलाई जाए ज्ञान और वैराग्य जाग जाए। महात्माओं से पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, नारद जी आप ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खोलना चाहते हो तो सत्संग करो। बात भी सही है, लॉजिक है, ज्ञान तो सत्संग से ही बढ़ता है, और जो जान लेता वो वैराग्य पा लेता। जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, और ज्ञान की पारंगता वैराग्य है। भाई जैसे पता हो गया कि दूध में शक्कर डालने से मीठी हो जाती, ये जान लेना ज्ञान है, लेकिन पी ले जो तो फिर मोह भंग हो जाता, वो वैराग्य है, उसी का नाम वैराग्य। वैराग्य क्या, वैराग्य मतलब फिर किसी से राग नहीं, वैराग्य में ही छिपा उत्तर, किसी से राग नहीं, राग मतलब किसी से प्रेम नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना दोस्ती ना बैर, ये वैराग्य, इसी का नाम वैराग्य है। तो वैराग्य क्या, किसी से प्रेम नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। लेकिन कई लोगों का वैराग्य भी कई तरीके का, वैरायटी का होता है,
घर में भाई खटपट सो चल बाबा के मटपट, घर में भाई खटपट सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काटी चोटी मांखा बेटा रोटी। कई लोगों का बैराग इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता, घर में लुगाई से लड़ाई, भाई बोले चलो बाबा बनेंगे अब तो। अरे बाबा ही बनना था पहले बन जाते, घरवाली से लड़ाई के चक्कर में बाबा बनना नहीं है। हाँ एक बार हम इंदौर में पूर्व जन्म में आए थे, पूर्व जन्म में मूसा खेड़ी, हमने राम कथा सुनाई वहां, तो तुलसीदास जी की महिमा गा दी, तुलसीदास जी की महिमा गाई तो मूसा खेड़ी का चंगीलाल खड़ा हो गया, बोला गुरुजी, हमने कहा चंगीलाल, बोला गुरुजी तुम तुलसीदास जी की जय बोल रहे, तुलसीदास जी की जय बोल, तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, उनकी लुगाई की महिमा है, ना लुगाई ताना देती ना तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा बात तो सही है, पर हमने भी उत्ता अपन भी बुंदेलखंडी है, अगर तुम मालवा वाले हो तो अपन भी बुंदेलखंडी है, घाटा खा जाए ऐसा हो नहीं सकता। हमने कहा सुन ठटरी के परे, अगर पत्नी की लुगाई की डांट खाने से लोग तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। आजकल डांट तो ठीक है, कई लोग तो बेलन चिमटा भी पा जाते हैं। बोलो सीताराम, इंदौर की माताएं ऐसी नहीं है, नहीं आप लोग अपने ऊपर मत ले जाना, क्योंकि हमें 6 दिन सुनाना है अभी, आओ 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 6 दिन रुकना, यहां की माताएं तो आ हा हा। पिछली बार हम आए थे, कहां गए मंदोला जी, चले गए का, यहीं कहीं घूम रहे होंगे। मंदोला जी हमें लेवा गए, बोले गुरुजी चलो आपको महाकालेश्वर ले चलते, हम चले गए सीधे साधे आदमी, सुबह सुबह 3 बजे चले गए, हम बहुत सीधे हैं जलेबी बराबर, आओ तो हम चले गए। रास्ते में हमने देखा, अरे धन्य रे इंदौर, पच्चीस छब्बीस साल की एक बहन जी चौराहे पे खड़ी, रेल जैसो इंजन चले और धुआं निकले, हमें लगो आग ही लगी, तो हमने कहा कि भाई गाड़ी रोको, आग ही लगी और देखो धुआं निकल रहा हूं, बाद में पता लगा कि सिगरेट चल रही। अरे हमका बड़ा भैया कलयुगी अगरबत्ती चल रही, हमका भी बढ़ाओ गाड़ी, हमने कहा यहां रुकना, चलो भाई जाके महाकाले, आज तक नहीं हम भूल रहे वो बात, जब भी इंदौर की बात आती है ये बात जरूर याद आती है, ये बुराई नहीं है, अपने संस्कार नहीं है, ये इंदौर की बुराई नहीं है, इंदौर हमारा है, इंदौर हमारा है, हम भी इंदौर वाले ही हैं। साधु जी जोर से बोलो भैया, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम, साधु जी सीताराम। भैया बुरा ना मानना, पर नारद जी को पता लगा कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तो सत्संग से खुलेगी, वो सत्संग क्या है इसी को जानने के लिए नारद जी बोले भैया हम बद्रीनाथ आ गए हैं। तब सनत कुमारों ने कहा नारद जी वो सत्संग कुछ और नहीं, श्रीमद भागवत कथा ही वो सत्संग है। बोलो भागवत भगवान की, और जहां भागवत की कथा हरिद्वार में सनत कुमारों ने प्रारंभ की, सनत सनंदन सनत सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार बैठे, भागवत की कथा के मधुर मधुर श्लोक जहां चारों कुमारों ने गाए, उसी समय श्रोताओं के मध्य में ताता थैया करती हुई भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ करके प्रकट हो गई। धन्य है भागवत की कथा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने ही देख लिया, क्या सामने ही देखा भक्ति देवी के दोनों कुमारों की मूर्छा खुल गई। भैया रामचरितमानस में भी वर्णन आया इसका, उत्तर आया ज्ञान जगाने का, विवेक जगाने का, कहां पर रामायण में श्री तुलसीदास जी ने लिखा बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न
सतसंग विवेना हो सतसंग विवेना हो राम कृपा बिनु सुलावे न सोई 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 बिनु सतसंग विवेक न हो सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। ज्ञान को जगाना है तो सत्संग सुनना ही पड़ेगा, और जिसे सत्संग सुनने का भाव आ गया वो ज्ञानवान होता है, जो ज्ञानवान होगा वही वैराग्यवान होगा।